दौसा लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को समीकरण को समझना इतना तो आसान नहीं, लेकिन हम आपको यहाँ के समीकरण की जानकारी जरूर देंगे। दौसा राजस्थान की बहुचर्चित लोकसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होगा। दोनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं की नजर टिकी है। जहां बीजेपी की बात करें तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कांग्रेस के सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। नमस्कार, मैं दीपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज की खास पेशकश चुनावी नगरी। भाजपा ने यहां से कन्हैयालाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में कुल 18,99,000 मतदाता है। अगर गत वर्ष की बात करें तो गत चुनाव की बात करें तो 1,69,000 मतदाता बड़े हैं। अगर बात करें उम्मीदवारों के राजनीतिक कैरियर की तो विधायक मुरारीलाल मीणा ने बांदीपुर विधानसभा के अपियावाड़ा गांव के निवासी हैं। मुरारीलाल मीणा वर्ष 2003 में बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, जहां उन्होंने कांग्रेस के गद्दावर नेता शैलेंद्र जोशी को चुनाव हराकर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने वर्ष 2008 में दौसा विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा और जीते भी। 2013 में परिसीमन दौसा विधानसभा से एक बार फिर कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा पर दांव खेला, जहां तत्कालीन विधायक शंकरलाल शर्मा ने मुरारीलाल मीणा को चुनाव हराया। 2018 में दौसा विधानसभा से कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को प्रत्याशी बनाया और चुनाव जीतकर गहलोत सरकार के कृषि विपणन राज्य मंत्री रहे और अब कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा भी कम नहीं है, 4 बार बस्सी से विधायक के साथ मंत्री भी रह चुके हैं। कन्हैयालाल मीणा भाजपा में भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री भी रहे। कन्हैयालाल मीणा की छवि भी राजनीति के क्षेत्र में साफ सुथरी मानी जाती है। दौसा लोकसभा सीट पर सीधी टक्कर भाजपा के कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा में होगी और कड़ा मुकाबला भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सीट एसटी की है और मीणा मतदाताओं का इस सीट पर अच्छा खासा दखल रहता है और दोनों ही भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी एसटी होने के नाते यहां पर मीणा समाज से आते हैं। इस कड़ी में हमने उस सीट की बात की है जहां अनुभव का सीधा मुकाबला अनुभव से होगा। जहां भाजपा हर बार उम्मीदवार तो बदलती है, लेकिन पिछले 10 साल से इस सीट को जीत भी रही है, तो क्या इस बार भी मोदी के चेहरे पर भाजपा इस यह सीट जीत पाएगी, ये तो जनता ही तय करेगी। और अगली कड़ी में एक और हम इसी ऐसी एक हॉट सीट की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।